रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ। यदि आप यूसेट, यूजीसी नेट, CSIR नेट के अतिरिक्त टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके काम का है। इस सत्र को देखने के बाद आप टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कई क्वेश्चन को जानने और समझने में सक्षम हो पाएंगे, इसलिए सत्र को धैर्य और लगन से अंत तक देखने, समझने और जानने की कोशिश कीजिए। चलो शुरू करते हैं इस सत्र को। ये UGC नेट का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम यहाँ पर हल करेंगे, तो आप आराम से सत्र को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आप देख सकते हैं पेपर 1 है। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, द प्रिंसिपल ऑफ ए स्कूल कंडक्ट्स एन इंटरव्यू सेशन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट विद द व्यू ऑफ एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ दियर इन्हेंस्ड पार्टिसिपेशन इन स्कूल प्रोग्राम्स, दिस एंडेवर मे बी रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ रिसर्च। बाइलिंगुअल हम क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है। यानी स्कूल का प्रिंसिपल विद्यालय के कार्यक्रमों में टीचर्स और स्टूडेंट के प्रतिभा को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनका इंटरव्यू सेशन आयोजित करता है, तो यह किस प्रकार का रिसर्च होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी क्रियात्मक अनुसंधान या कई जगह क्रियात्मक शोध भी लिखा होता है, इंग्लिश में कहेंगे एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च पर हम पहले ही बहुत अच्छी वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन ऊपर आई बटन में पिन किया गया है, अवश्य ही वॉच कर लीजिए। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एनी हाउ आता ही आता है, तो इसका उत्तर होगा एक्शन रिसर्च। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी इसी से संबंधित है, इन डूइंग एक्शन रिसर्च व्हाट इज द यूजुअल सीक्वेंस ऑफ स्टेप। जब आप क्रियात्मक शोध या कहें क्रियात्मक अनुसंधान या कहें एक्शन रिसर्च कर रहे होंगे तो आपका रिसर्च का सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। यानी सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए, फिर एक्ट होगा, ऑब्जर्वेशन होगा और फिर रिफ्लेक्ट होगा। हिंदी में भी इसे देख लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को आपने चूकना नहीं है। पूछा गया था, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको योजना का निर्माण करना है यानी प्लानिंग करनी है, फिर क्रियान्वयन करना है यानी उस पर आप एक्शन लेंगे, परीक्षण करेंगे यानी ऑब्जर्वेशन करेंगे, और लास्ट में आप विमर्श करेंगे यानी उसको अंत में आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार सीक्वेंस पूछा जाता है, ध्यान से समझ लीजिए और लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, विच सीक्वेंस ऑफ रिसर्च स्टेप इज लॉजिकल इन द लिस्ट गिवन बिलो। यानी यहाँ पर रिसर्च स्टेप दिए गए हैं, उनका एक लॉजिकल दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, किस सीक्वेंस में रिसर्च होनी चाहिए। आप पूरा प्रश्न पढ़िए, विकल्प पढ़िए, स्वयं उत्तर देने की कोशिश कीजिए, वास्तविक फायदा तभी मिलता है वीडियो को देखने और समझने का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सबसे पहले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, कोई समस्या आपके पास होनी चाहिए, जब तक समस्या नहीं होगी तो आप किस पर रिसर्च करेंगे, तो समस्या होनी चाहिए क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जब तक समस्या नहीं होगी तब तक आप शोध नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, अपना दिमाग दौड़ाएंगे नहीं। तो पहले होगा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, उसके बाद हाइपोथेसिस यानी आप एक परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस मेकिंग करेंगे,
फिर डेवलपमेंट ऑफ ए रिसर्च डिजाइन, फिर आप रिसर्च को डिजाइन करेंगे, शोध का विकास करेंगे, ठीक है, रिसर्च डिजाइन को डेवलप करेंगे। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा, यानी डेटा को कलेक्ट करेंगे, आंकड़ों को एकत्र करेंगे, फिर डेटा एनालिसिस करेंगे एंड फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन, और लास्ट में निष्कर्ष होगा। तो कभी भी ध्यान रखें, निष्कर्ष सबसे पहले होता है और समस्या सबसे पहले आती है। तो इस प्रकार से भी यदि आपको एक दो स्टेप सही से आते हैं तो आप प्रश्न को सही पकड़ लेते हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्नांकित में से अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है। इस प्रकार के प्रश्नों को इंग्लिश में ज़्यादा फायदेमंद होता देखना, क्योंकि रिसर्च से संबंधित शब्द हिंदी में काफ़ी कठिन होते हैं। उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 3 है, सबसे पहले शोध समस्या होनी चाहिए, यानी समस्या स्थापना। दूसरा, परिकल्पना निर्माण यानी हाइपोथेसिस होनी चाहिए। शोध विकल्प का विकास यानी रिसर्च डिजाइन का डेवलपमेंट। परदत्त एकत्रीकरण यानी डेटा कलेक्शन होगा। परदत्त विश्लेषण यानी एनालिसिस ऑफ डेटा। सामान्यकरण करेंगे आप, जनरलाइजेशन, और लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष सबसे अंत में होता है, कंक्लूजन आप सबसे लास्ट में निकालते हैं। सबसे पहले आपके पास एक समस्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक सेट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, एक तरफ रिसर्च मेथड्स हैं, दूसरी तरफ डेटा कलेक्शन टूल हैं। तो बिलो आर गिवन टू सेट्स, रिसर्च मेथड सेट 1, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेट 1 में रिसर्च मेथड हैं, यानी शोध की विधियाँ हैं, अनुसंधान की विधियाँ हैं, एंड डेटा कलेक्शन टूल सेट 2। तो दूसरे में क्या है, डेटा कलेक्शन के टूल दिए गए हैं, यानी किन उपकरणों से आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। मैच द टू सेट एंड इंडिकेट योर आंसर बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट कोड। तो सेट 1 में क्या है, रिसर्च मेथड्स यानी अनुसंधान विधियां, शोध विधियां, रिसर्च मेथड्स हैं। सेट 2 में क्या है, डेटा कलेक्शन टूल हैं, यानी शोध के आंकड़ों को कलेक्ट करने के टूल्स यानी उसके उपकरण हैं। ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी आसान है। ऑब्जर्व करने के बाद हम इसके सही उत्तर पर पहुँचते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 2 और 1, ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 3। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इसमें आपको सभी देखने की भी आवश्यकता नहीं होती। यदि कई बार ऐसा होता है कि एक आपको सही आ गया तो नीचे कूट से मैच करता पूरा का पूरा, जैसे पहले विकल्प में 3 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, 2 वाले कई जगह हैं, 2, 2, 2, 3 जगह हैं, लेकिन 3 वाला केवल एक है। तो हो सकता आपको एक ही आता हो, तो उसके बाद आपका पूरा प्रश्न सही हो जाएगा, आगे देखने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो नीचे कोड्स पे भी ध्यान देना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट। उसके बाद बी का 4, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड अर्थात टाइपिकल करैक्टरिस्टिक टेस्ट। तो बी का क्या हो जाएगा, 4। बी का 4 यहाँ पर 2 जगह दिया है, तो पहले वाले में अच्छा था, 1 का 3 एक ही जगह था, तो यहीं से आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं क्वेश्चन के आंसर को। तीसरा था डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, सी का 2 यानी क्वेश्चनायर, प्रश्नावली। तो सर्वे मेथड में आपको क्या चाहिए, क्वेश्चनायर चाहिए। जब आप कहीं सर्वे पे जाते हो, सर्वेक्षण करते हो, तो प्रश्नावली या साक्षात्कार के लिए आप क्वेश्चनायर बनाते हैं, तो इसका हो जाएगा सी का 2। और हिस्टोरिकल मेथड यानी ऐतिहासिक विधि के लिए आप यूजिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को आप यूज करते हो, प्राइमरी और द्वितीयक आंकड़ों से संबंधित स्रोत। तो इसका है उत्तर ऑप्शन नंबर 2। मुझे लगता है समझ पा रहे होंगे, नीचे हिंदी में भी देख लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 था। तो ये बी वाला इसका सही उत्तर है, देख लीजिए, इसमें 1 का 3 यानी प्रयोगात्मक विधि, तो इसका हो जाएगा मानकीकृत परीक्षाएं। कार्योत्तर विधि यानी एक्स पोस्ट फैक्टो। बी का 4 यानी मानकी विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, बी का 4 हो जाएगा। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि यानी डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड, इसमें आपकी प्रश्नावली होगा। और इतिवृत्तात्मक यानी ऐतिहासिक विधि, प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करना। इंग्लिश में ज़्यादा आसान होता है रिसर्च
एप्टीट्यूड को हल करना, क्योंकि इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं क्वेश्चन, हिंदी की भाषा थोड़ा सा कठिन होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द इशू ऑफ रिसर्च इथिक्स मे बी कंसिडर्ड पर्टिनेंट एट विच स्टेज ऑफ रिसर्च, यानी शोध नैतिकता की बात यहाँ पर कर रहा है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन, जब आप डेटा को कलेक्ट करेंगे उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो उस समय रिसर्च इथिक्स से संबंधित बातें आती हैं। हिंदी में भी हम यहाँ पर देख लेंगे, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, यानी रिसर्च इथिक्स का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पर्दत संकलन, यानी जब आप डेटा को कलेक्ट करेंगे तथा उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे यानी विवेचना करेंगे, तो पर्दत संकलन तथा विवेचन के चरण में इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, देख लीजिए यहाँ पर 5 के बाद 6 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टरल लेवल थीसिस, जब आप डॉक्टरेट लेवल की थीसिस को बना रहे होते हैं तो उस समय ये फॉर्मेट यूजली प्रयोग में आता है। यहाँ पर देख लीजिए आप, निम्नांकित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र, जब आप डॉक्टरेट लेवल रिसर्च पेपर तैयार करते हैं तो उस समय, इसे आप समझ लीजिए, इसमें दिया गया था रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टरल लेवल थीसिस, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। इन प्रश्नों को समझ लीजिए ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल करने में सक्षम हो पाएंगे। अब और आगे क्वेश्चन को हल करते हैं, आप इंजॉय कीजिए, 6 क्वेश्चन और हम हल करेंगे। अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेस, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग यानी बोध, हिंदी में भी देख लेते हैं नीचे, यहां पर देख लीजिए, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, क्या माना जाता है, बोध यानी अंडरस्टैंडिंग, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है उसमें पहले से अंडरस्टैंडिंग माना जाता है यानी बोध माना जाता है, सबसे पहले ज्ञान होता है फिर बोध होता है, समझ गए। उसके बाद अगला प्रश्न है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं, मौखिक यानी जो मुंह से बोला जाता है, अमौखिक यानी लिखित रूप से चित्र के माध्यम से किसी भी तरीके से हो सकता है, तो जब मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास किस में करते हैं, अमौखिक संदेशों में, यानी ऑप्शन नंबर 3, तो जब लिखित और अलिखित आप कह सकते हैं मौखिक तथा अमौखिक संदेशों में परस्पर विरोध होता है तो लोग अमौखिक जो संदेश होते हैं उसमें बिलीव करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप ताकि आप अच्छे समझ पाएंगे, वेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस आर कंट्राडिक्टरी इट इज सेड दैट मोस्ट पीपल बिलीव इन नॉन वर्बल मैसेजेस, तो अमौखिक संदेशों में अधिकांश लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर पूछा गया था, द टाइपिकल फीचर्स ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग, टाइपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन द नेचर ऑफ बीइंग, तो इसका जो सही उत्तर है आप ढूंढने की कोशिश कीजिए, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, फैक्चुअल, ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं, यहाँ पर पूछा गया था
किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? उत्तर है तथ्यात्मक। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की, सूचनाओं से समृद्ध क्लास लेक्चर की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है? उत्तर है तथ्यात्मक, यानी आप ऊपर देख चुके हैं फैक्चुअल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन बाय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एनकोडर्स पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक, यानी जो एनकोडर होता है उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा क्या क्या था देखने की कोशिश कीजिए। भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है? भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा मोटिवेटेड यानी प्रेरित होता है? उत्तर है कूट लेखक, अर्थात एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं द्वारा प्रेरित होता है भावबोधक संप्रेषण, यानी एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू, जो एक सकारात्मक कक्षा कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वो किसके द्वारा लीड्स किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पर्सुएशन। पर्सुएशन यानी धारणा, दलील, हिंदी में भी इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पूछा गया था सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? सकारात्मक कक्षा संप्रेषण यानी पॉजिटिव क्लास रूम कम्युनिकेशन का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है? उत्तर है अनुनय। अनुनय को आप अन्य शब्द में धारणा कह सकते हैं, दलील कह सकते हैं। तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण किसी धारणा से, किसी दलील से, किसी अनुनय के परिणाम स्वरूप होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है? क्लासरूम कम्युनिकेशन किसका बेस है? सामाजिक पहचान का, बाह्य निरर्थकताओं का, पूर्वाग्रही उदासीनता का, या सामूहिक उग्रता का? उत्तर है सामाजिक पहचान का। तो कक्षा संप्रेषण सामाजिक पहचान का आधार है, इंग्लिश में भी इसे देख लेंगे यहाँ पर, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ सोशल आइडेंटिफाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुझे लगता है सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। पहली बार यदि चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो यदि आपको और चाहिए तो कॉमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएँ। वीडियो आपको कैसी लगती है कॉमेंट कीजिए, आप लोग कॉमेंट नहीं करते हैं, कॉमेंट करने से हमें कुछ नहीं मिलता है, आपके लाइक कॉमेंट शेयर से मिलता कुछ नहीं है, बस हौसले बुलंद होते हैं अगली वीडियो बनने के लिए, डबल एनर्जी के साथ हम मेहनत करते हैं। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूअर सेलेक्शन से और यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।